अस्सलाम वालेकुम। तो भाई लोग कैसे हो, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हमारा ब्लॉग पेश करते हैं। सो आज के ब्लॉग में भी आपको मजा आएगा जिस तरह आपको हमारे पिछले ब्लॉग्स में मजा आता रहा है। सो गाइस, बाकी आज का सीन कुछ ऐसा है जैसे कि आप देख सकते हैं ना, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स, अभी आरुण का वेट कर रहा हूँ। आरुण घर पे आवाज दी, आरुण का, आरुण चाय पी रहा था तो मैंने बोला यार अकेले चाय पी लो, मुझे पिलाओ भाई। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। बाकी अपने चाय मुकाते हैं, आरुण भी आ गए। तो आरुण ने अपने भाई का बाइक का छाती भी ले गया। हाँ बहुत चंगा ना मैं। बाकी जैसे भी ये देखो, ये बोल रहे कि आज मैं चलाऊंगा, बाकी घर इसको चलाने नहीं आती, बस ऐसी चपटा गिरियां करता रहता है। हाँ चला रहे हो, चला रहे पक्का? एक राउंड चलो, यहाँ पे गली में चलो, फिर मैं तुम्हारे पीछे बैठ जाऊंगा। नहीं करो मर मर आ जाएगा। ये गलती हो जाएगा, वहां तक दीवार तक लेके जाओ। एक्सीलेटर कितना दबाया है, क्लच कम नहीं है बेटा। ओहो चला रहे भाई, पाँव नीचे नहीं होनी चाहिए। वो बंद कर दी गाड़ी, बंद कर दी। अलग मस्ती करता रहेगा, मेरे को चाय पीने में मजा आ रहा है। सो आपको मिलते हैं, अभी सीधा मैं जाना है बैंक, बैंक में सबमिशन कराना है अपना फॉर्म। तो उसके बाद सीधा चलना है कॉलेज, वहाँ पे ये सारा सबमिट करा के फिर आते घर की तरफ। अभी देखते भी निकल रहे, बस चाय पी के निकलते बैंक की तरफ पहले। हाँ तो गाइस, अभी बाकी सीन नया अपडेट ये कि सैफुल्ला भाई आया। सैफुल्ला भाई ने बोला कि इसका पीछे का ब्रेक थोड़ा हल्का है, तो उसको देख लेना, या तो मैकेनिक के पास रास्ते में जाओ, उसको थोड़ा टाइट करा दो। ये देखें, बहुत बहुत लेट अप्लाई हो रहा है भाई। चलो चल देखते, अगर कोई मैकेनिक नज़दीक में ही है तो देखते क्या सीन बनता है, उसको थोड़ा टाइट कराएंगे ताकि भाई ऐसा ना हो कि किसी के गाड़ी के अंदर हम टूट दें। अभी वो सारे काम हो गए, सबमिट वगैरह हो गए। बाकी सर को मार्कशीट के हवाले से भी पूछा है कि सर क्या सीन है मार्कशीट के, तो सर ने बोला कि तकरीबन आएंगे नेक्स्ट मंडे। आज भी मंडे है ना, अगले मंडे को इंशाल्लाह मार्कशीट आएंगे। अभी प्रिंट प्रिंट के लिए गए, अभी बस हम लोग को शॉर्ट बनाने हाँ हाँ हाँ। माजिद माजिद पता नहीं क्या हो गया। माजिद यार, माजिद को आप लोग खुद कमेंट करो, ठीक है? माजिद हमारी बात तो नहीं सुन रहा भाई, माजिद को बोले थोड़ा टाइम निकाल गया हमारे पास, लेकिन माजिद नहीं सुन रहा। तो आप एक काम करो, माजिद को कमेंट में भाई माजिद करते जाओ यार, माजिद करो, शायद आपकी बात मान ले और आ जाए। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी बात मान ली और थोड़ा टाइम निकाल के हमारे पास आ गए और थोड़े शॉर्ट बना दिए, क्योंकि मुझे पता है आपको भी हमारे ब्लॉग में माजिद की कमी महसूस हो रही होगी, क्योंकि वी आर बेस्ट इन थ्री, तीन बंदे हम साथ जब होते हैं फिर जाके मजा आता है ब्लॉग में। अभी माजिद नहीं, सो प्लीज माजिद को आप भी बताएं, हम भी भाई थोड़ा बहुत फोर्स करेंगे ताकि हमारे लिए भी टाइम निकाले। सीन्स कुछ ऐसे हैं, कॉलेज में सबमिशन वगैरह सब कर दिया, उसके बाद मैं हम आए कंपाउंड में, थोड़ा बहुत बच्चों के साथ क्रिकेट वगैरह खेला, बोर हो रहे थे। सो उसके बाद आरुण तो वही माशाल्लाह से बॉडी शोडी बनाने के डोले शोले, यू नो आरुण जिम जाया करता है अक्सर भाई, आपको पता होगा शायद, अपने इससे कबल वाले भी हमारे व्लॉग्स में देखा होगा। अभी आज का सीन्स कुछ ऐसे है, हम लोग आए अभी फिर से आरुण के घर, क्योंकि हमें कुछ बनाने थे अरुण शॉर्ट्स वीडियो। सो शॉर्ट वीडियो हम अभी बनाना शुरू करेंगे, हमारे कैमरामैन भी आ चुके हैं भाई, नबील भाई। सो नबील भाई को ज्यादा इंतजार नहीं कराते, अभी हम जा रहे हैं शॉर्ट बनाने के लिए, वैसे भी फिर लाइट चली जाएगी। आरुण अपने करेक्टर में घुसा, उसको पता नहीं वो लोग स्टार्ट हो गया, उन्हें नबील के हाथ में कैमरा दिया। आरुण ड्रामा गिरी कर रहे हो भाईजान, ओ भाईजान एक्टर, शॉर्ट खत्म हो गए, ड्रामा गिरी बंद करो। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हमारा एक लास्ट शॉट बाकी है, वो आप विजिट करें आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। वो जो शॉट है ना, वन ऑफ द बेस्ट, मेरा अपना तो भाई पर्सनली मेरा फेवरेट है। अभी उसी की तैयारी हो रही है, ये शॉट जो भी हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं ना, आरुण को सिख बना रहे हैं। सो ये आपको हमारे शॉर्ट में मिलेगा और हमारे इंस्टाग्राम पे मिलेगा, शायद ये रील्स में भी हम ऐड कर दे, सो शॉर्ट में नहीं होगा। सो आपको इंस्टाग्राम हमारा विजिट करना पड़ेगा, हमारा इंस्टाग्राम का आईडी हमने बनाया है, सो स्लैश वी लॉग्स। आपको डायरेक्ट, आप अगर स्लैश भी ना डालें तो अगर आप डायरेक्ट से वीलॉग्स भी डालें, जिसके आप अगर नॉर्मली भी वीलॉग्स लिखोगे इंस्टाग्राम पे, सो हमारा आपको
आईडी मिल जाएगा, पेज मिल जाएगा, सो आप वहां पे जाके फॉलो भी करें और हमारे रील्स भी देखें। हाँ सो गाइस फाइनली यार शॉर्ट्स वगैरह खत्म हुए, रील्स बना रहे थे वो भी खत्म हुए, सो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं। थोड़ा मेहनत है यार, लेकिन आप देख रहे हो जिस तरह मेहनत कर रहे हो, तो आपको आपका फर्ज बनता है यार, आपका आपका हक बनता है। जिस तरह आप मजे लेके देख रहे हो, कुछ नहीं करना है, अपने दोस्तों को भी दिखाना है यार। शायद अगर आपको मजा भी नहीं आ रहा ना, आप बोल रहे मजा नहीं आ रहा, फिर भी आपको शेयर करना है यार, शेयर जरूर करना है, क्योंकि वी वॉन्ट सम वॉच टाइम, थोड़ा बहुत हमें भाई जरूरत है। सो वी होप कि आप हमें इंशाल्लाह ताला आप हमारे व्लॉग्स को थोड़ा बहुत शेयर कर लोगे यार, ज्यादा नहीं, एक बंदे तक कर लो। आपने देख लिया, अपने एक जो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा या आपका बेस्ट फ्रेंड ही होगा सहेली होंगी, सो यू शुड शेयर यार प्लीज। अरुण कुछ कहना चाहते हो? बस यही है भाई, कीप सपोर्टिंग, कीप सपोर्ट यार, करें हम लोग को, बाकी इंशाल्लाह आपका भाई भी हम लोग कामयाब होंगे। आप लोग चाहते हैं हम लोग अगर कामयाब हो तो बिल्कुल हम लोग को सपोर्ट करना, दुआ भी करना कि अल्लाह पाक हम तीनों को कामयाब करे। आमीन। चलो फिर मिलते हैं यार, अभी नीचे जाएंगे आरुण को चाय पीने। आरुण बोलता है कि भाई मैं शाम से मैंने चाय नहीं पिया, तो अभी निकलते घर से नीचे, लॉक वॉक मार के सीधा सीधा वट्टो वट्टो। नेक्स्ट डे। हाँ तो गाइस कल का सीन ऐसा था कि हम भाई बिल्कुल थक हार चुके थे, मैं गया भी सीधा थक हार के बिस्तर पे, खुद को सुला लिया यार क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था मैं। सो मैंने सोचा कि आरुण को मैंने बोला आज का ब्लॉग यहीं से थोड़ा कंटिन्यू रखते कल के लिए, आज के लिए इतना ही बोलते क्योंकि मैं बिल्कुल थका हुआ, मुझसे ज़्यादा नहीं होगा और मैं बहुत जल्दी उठ गया था, सो ज़्यादा भाई देर बर्दाश्त नहीं हो सकी मुझसे नींद, तो मैं गया सीधा सो गया। तो हमने सोचा कि कल से एक ब्लॉग कंटिन्यू करें। सो अभी के सीन को जैसे आरुण भी जिसके आ गए, थोड़ा बहुत टाइम पास कर रहे, बोलिंग शोलिंग चला रहे बच्चों के साथ, नॉट प्लेइंग बट ऐसे ही नॉर्मली। यू नो कि यार अभी जैसे कि हमारा नया साल शुरू होने वाला है, सो कोर्स वगैरह लेना, फाइव ईयर वगैरह से तैयारी करने के लिए हमने जो हमारा कोर्सेज थे, हमारे जितने भी कोर्सेज थे बुक वगैरह, सो जनरल रजिस्टर ये और फिर अपना उनकी खरीदो फरोख चल रही है भाई। सो बाकी अभी हम आ जाएं आपको दिखाने कि हमारे कोक स्टूडियो, जो हमारा कोक स्टूडियो है उसका क्या हालत है, हमारे कोक स्टूडियो का, कोक स्टूडियो के हालत कुछ कैसे थे जब आपने देखे थे शुरू में और अब देखो। अब ये हाल है, ये देखो ये गंदगी, ये बोतल शोतल पड़े हुए, कालीन का हाल चेक करो सिर्फ, आपको दिख रहा नहीं है लेकिन इतनी मिट्टी फैली हुई है कि दीवारों तक छिपकी हुई है सारी मिट्टी, ये सीन है। बाकी देखते हैं भी इंशाल्लाह आजकल इसको इंशाल्लाह वो करेंगे, थोड़ी सफाई सफाई वगैरह करेंगे, सफाई तो करना है इसका, हाँ इसका सफाई वगैरह करना है। बाकी हमने बोला कि आज आ जाए सो इसको देख ले थोड़ा यार कि किस तरह भाई हमारा क्या हो गया, क्योंकि जब शादी का सीजन चल रहा था तो उस टाइम हमने देखा था इसका हाल बहुत बुरा था, तब हमें सफाई करनी थी लेकिन हम फारिग नहीं थे, फ्री नहीं थे, यू नो शादी वगैरह होती है सो बंदे के भाई सो मसरूफियात होते हैं, क्योंकि तीन से चार शादियाँ थी हमारे कंपाउंड में, सो सब क्लोज क्लोज ही थे, सो हम बिजी थे फ्री ना हो सके, सो डेट्स हुआ है हमने सोचा कि बाद में कर लेते। तो आज फिर से इसकी हालत देखे ना, दिल खून के आंसू है, दिल खून के आंसू होता है यार, दिल खून के आंसू होते हैं यार, क्योंकि यार बहुत मेहनत हुई है, सो अपने मेहनत ज़ाया नहीं करते अपना मेहनत, तो इसको भी एक काम करते हैं इंशाल्लाह कल या परसों के दिन इसको पूरा क्लीनअप करेंगे। जैसे ये देखो यार ये कैसा बर्बाद हो गया, कैसे नाजुक नाजुक हाथों से आरुण हमने कलर किया था इसको और अभी कैसे बर्बाद, ये हमारी अपनी गलती है यार, हमने देखभाल नहीं की थी, हाँ देखभाल नहीं किया, नहीं दी हम लोग ने बहुत, तो सफाई ये देखो इसके हवाले से मैं पिछले ब्लॉग में आपके साथ, ये भी सर्दी का मौसम ना हवा बहुत, हाँ ये ऊपर हो गया है क्यों, हवा की वजह से और मैं पूरा नीचे होता है, सो इसकी वजह से ज्यादातर मिट्टी आती है। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी जिसको आपको हमारे पिछले सारे वीडियोस अच्छे लगे हैं, वी होप के, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब, बाकी अल्लाह हाफिज़।